हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेट्रोकिल गेमिंग वंस अगेन गाइज। तो गाइज मैंने फाइनली एक हेडफोन खरीद लिया नया वाला, एंड 3.5 mm का जो लाइटनिंग केबल होता है एप्पल का, मैंने वो भी खरीद लिया है। और मैं अब हेडफोन यूज़ कर पाऊँगा, आज से मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। तो एक मैंने सस्ता सा एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, आपको पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो भी लाइक करना है। एंड काफ़ी सारे केबल्स लगते हैं एक स्ट्रीम करने के लिए, वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। अगर कोई भी कमेंट हो इसके अलावा तो कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ताकि मैं चाहूँ आप लोग भी कर सको लाइव स्ट्रीम। चलिए लेट्स गो। गाइस ये है मेरा नया हेडफोन, आज ही आया है। एंड इसका नाम है हाइपर एक्स क्लाउड स्टिंगर कोर, जो कि 7.1 सराउंडिंग साउंड का हेडफोन है। एंड काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। इंडिया में आई थिंक 5,000 में, फ्लिपकार्ट में देखा 5,000 में मिलती है, बट मलेशिया में 250 रिंगेट यानी कि अराउंड 4,000 रुपये में मिल जाती है। तो एक डिसेंट प्राइस है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एक गेमिंग हेडफोन के लिए, काफ़ी क्योंकि गेमिंग हेडफोन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लेदर है, कुशन है इस पर, मतलब आप कान में लगाते हो तो आपको ज़्यादा हैवी लगता नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है। एंड एडजस्टेबल जो दिया गया है ये हेड वाला, तो एंड फ्लेक्सिबल भी है गाइस। जैसे आप फ्लेक्सिबल आप इधर उधर मोड़ोगे भी तो ये मतलब ये हार्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। तो यही है गाइस, मैंने लिया है अच्छा वाला। इसके इसके इसका फीचर्स देखो गाइस, इसको ऊपर वाला जो कुशन है काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने यूज़ किया है इस हेडफोन को, गेमिंग में भी यूज़ किया है और अच्छा लगा था ये हेडफोन है। एंड 3.5 इसका केबल भी काफ़ी लंबा है यार, काफ़ी अच्छा केबल है, तो मैंने ये ले लिया है। और इसका ये है 3.5 mm का जैक, जिसपे आप इसमें माइक्रोफोन भी है। और ये केबल गाइज मैंने ख़रीदा था अभी कुछ दिन पहले ही, आज ही ख़रीदा यार, कुछ दिन पहले ख़रीदा था लेकिन आज आया, डिलीवर हुआ है। इसका भी कॉस्ट लगा मुझे करीबन 800 रुपये, 49 रिंगिट। और ये जो केबल है, इस केबल का कॉस्ट लगा मुझे करीबन 230 रिंगिट, करीबन 4,000 रुपये। तो गाइज आप देख सकते हो, एक छोटा छोटा केबल का भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये मैनुअल वगैरह है, इसमें आपको बताया गया है कुछ चीज़ें जो कि हमारे कोई काम लायक नहीं होती है। चलिए देखते हैं गेम के अंदर का साउंड कैसा आ रहा है। साउंड अच्छा आ रहा है, गेम गन का साउंड अच्छा आया। एंड एनिमी के फुटस्टेप भी मुझे काफ़ी क्लियरली समझ में आ रहा है, नॉर्मली हेडफोन भी आता है बट इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा। आई थिंक साउंड अच्छा क्वालिटी का है, मैं जे 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10, तो मुझे तो अच्छा लगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो पहले से तो आप कमेंट में लिख सकते हो आपका क्या फीडबैक है, बट मेरा फीडबैक एज ऑफ नाउ आफ्टर प्लेइंग वन ट्रेनिंग मैच आई विल गिव 8.5 आउट ऑफ 10। तो देखिए आप अपना फीडबैक दे सकते हो अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो, बट फिलहाल के लिए मैं इसे ग्रीन सिग्नल दूंगा। एंड अभी तक के लिए इतना गाइस, देखते हैं आज के शाम में स्ट्रीम करूँगा और कुछ गेम खेलूँगा, उसके बाद मैं एक्चुअल फीडबैक दूंगा। तो फिलहाल के लिए अच्छा ही है, चलिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।